आज की भी क्लास देता हूं आप लोगों के लिए। वैसे वो यहां पर डिस्प्ले होने लगे डेटा, ठीक है। तो अब उसके लिए हमें क्या करना होगा, यहां चलना होगा कोड के अंदर। तो ये डिस्प्ले है ना, डिस्प्ले, ये डिस्प्ले डेटा, इसको मैं कॉपी करके कहां डाल देता हूं, इसके अंदर डाल देता हूं। किसके अंदर? सेव डेटा के अंदर मैंने डाल दिया। ये डिस्प्ले वाला जो फंक्शन है ना, इसको मैंने यहां डाल दिया डिस्प्ले डेटा के अंदर। तो अब आप देखना क्या होगा। देखो अब मैं लिखता हूं राहुल, ऐड किया, देखो आ गया, रिफ्रेश नहीं करना पड़ रहा है, सिंगल पेज एप्लीकेशन। अब देखो मैं लिखा राहुल जैन, देखो आ गया, देखो राहुल जैन, सब देख पा रहे हैं, राहुल जैन आ गया, रिफ्रेश नहीं करना पड़ रहा है इसमें कुछ भी। आप लिख सकते हो, ये आप लिख सकते हो जावास्क्रिप्ट में। कोई पूछेगा आपने जावास्क्रिप्ट से क्या बनाया, तो बता सकते हो हमने टू डू लिस्ट बनाया पूरा, इंसर्ट डिस्प्ले पूरा जावास्क्रिप्ट से बनाया हमने, इसमें डोम का यूज किया, लोकल स्टोरेज का यूज किया। ये आपने रिज्यूम मेंशन कर सकते हो इस प्रोजेक्ट को, ठीक है। आप लोग भी करो, वाला सेव डेटा के अंदर डिस्प्ले डेटा वाला फंक्शन कॉल कर लो, फिर मैं आपको डिलीट करना सिखाता हूँ, डिलीट कैसे करते हैं। लगा लिया डिस्प्ले डेटा, मैंने जो पूरा कोड आज जितना जो हो जाएगा ना, मैं पूरा कोड ग्रुप में डाल दूंगा, तो आप चला सकते हो पूरा कोड, ठीक है। इसका पूरा कोड मैं ग्रुप में भी सेंड कर दूंगा। अब देखो, अब मैं डिलीट पे जब क्लिक करूंगा ना, सारे लोग जब मैं इस डिलीट पे क्लिक करूंगा ना, तो ये डिलीट हो जाएगा। तो अब इसके लिए मुझे क्या करना होगा, अब सब लोग यहां पर देखे मेरी स्क्रीन पर, तो मैं डिस्प्ले वाले में आया, देखो लिखा डिलीट, तो अब मैं यहां पर यूज करूंगा बटन, ये मैं दो हटा रहा हूं, सब देखो यहां पे, अब मैं यूज करूंगा यहां पे क्या, सिंपल से बटन। देखो देखो यहां पे ये डाया मैं लिखा बटन, और लिखा इसमें व्यू, बटन लगा दिया, और एक बटन बनाया डिलीट नाम का, ये कर दिए एडिट। अब बटन के अंदर मैंने एक ऑन क्लिक सिखाया था ना आपको, ऑन क्लिक जी लगाया मैंने ऑन क्लिक, और इसके अंदर मैं एक फंक्शन यूज कर, एक फंक्शन कॉल कर दूंगा, क्या कर दूंगा, इसके अंदर एक फंक्शन कॉल करूंगा, फंक्शन देखो डी ई एल डिलीट डेटा नाम का, ठीक है। और इस फंक्शन में मैं क्या पास कर दूंगा जी, आईडी, ठीक है। यहां पे लिखूंगा डॉलर कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर आई, ठीक है। आई में क्या आ रहा होगा, इंडेक्स वैल्यू आ रही होगी ना, आई में क्या आ रहा होगा, इंडेक्स वैल्यू। अब इसी के नीचे बनाता हूं एक फंक्शन, देखो फंक्शन डिलीट इन डेटा, और इस फंक्शन में क्या पास करूंगा, आईडी। अब इस आईडी में क्या रहा होगा, हेलो ये आई, जो देखो जैसे ऑन क्लिक पे अपन क्लिक करेंगे वैसे ये फंक्शन कॉल होगा, और इस फंक्शन मैंने क्या पास कर रखा है, आई। इस आई में क्या आ रहा होगा, इंडेक्स वैल्यू आ रही होगी ना 0 1 2 3। मैं जिसकी अभी क्लिक करूंगा, देखो मैं रिफ्रेश करता हूं, मैं जिसकी अभी यहां पे क्लिक करूंगा ना, उसकी आईडी इसमें उठ के आ जाएगी, ठीक है ना, जिसके पे डिलीट पे क्लिक करूंगा, ठीक है। तो अब मैंने यहां पे क्या किया, अलर्ट लगा दिया, अलर्ट, और चेक कर रहा हूं इसमें लिख के आईडी। अब देखो आई में जो भी कुछ आ रहा होगा इस आई के अंदर, वो अपन ने इसमें रख लिया आईडी में, ये तो जानते हो ना, और वो अपन चेक कर रहे हैं। देखो मैं रिफ्रेश करता हूं, क्लिक किया, क्लिक नहीं हुआ, ऑन क्लिक डेटा, अच्छा डी स्मॉल में मेरा, डी स्मॉल में, देखो देखो आ गया, देखो जीरो, पहला जीरो पे है ना, ये बना रहा होगा, देखो वन, इसकी आईडी कितनी होगी, फोर, देखो क्योंकि इसमें एरे चलता है ना, देखो जीरो, विकास की आईडी क्या होगी, इंडेक्स वैल्यू जीरो, राम की वन है ना। देखो आप लोग इतना करें, इसको लिखो सही तरीके से, नोट करो इतना आप लोग।
नोट करें, ओके सर, ओके क्या करना है यहां पे बटन कर लेना, बटन करना बटन कर लो, एंकर टैग करना एंकर टैग कर लो, कोई दिक्कत नहीं, एंकर टैग में करना चाहो तो एंकर टैग में कर लो, लो कोई दिक्कत नहीं है, और आप लोग एंकर टैग में करना चाहो तो एंकर टैग में कर सकते हो, देखो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, देखो ठीक है, फिर पे क्लिक किया देखो तब भी आ गया, ठीक है ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, और आपको एंकर टैग में करना है तो एंकर टैग में कर सकते हो, लगा दो ऑन क्लिक, और ये सही लिखना कोड, ये सही लिखना कोड हिमांशु, कोड से लिखना, चेक कर लो आप लोग बटन पे क्लिक करने पे ये फंक्शन आओ, और देखो आईडी उठ के आ रही कि नहीं आ रही, आईडी में क्या आएगा, इंडेक्स वैल्यू आएगी 0123 वाली, हो गया नोट, सबका चेक हो गया, सबसे पहले ये लिखना है ऑन क्लिक, और इसे लिखना सही है, और फिर ये फंक्शन बनेगा, और फिर यहां पे आके क्या करोगे, यहां पे आके डिलीट पे क्लिक करोगे इस तरीके से तो जीरो आएगा, इस पे क्लिक करोगे तो वन आएगा, है ना, इंडेक्सिंग वैल्यू चल रही है ना 0 1 2 3 4 से, ऑन क्लिक के अंदर मैंने क्या लिख दिया, यूजर नेम टैक्स फी डॉट वैल्यू, इससे क्या होगा ये हमारा खाली हो जाएगा ये पार्ट, ठीक है लिख लो उसको, चेक करो आप लोगों का भी खाली हो गया होगा, यस हो गया ना खाली, चलो अब देखो सब लोग, इसके बाद जब ने खाली कर दिया अब बात करते हैं, सबने कर लिया ना खाली, ये मैं कोड अभी ग्रुप में भी दे दूंगा और वीडियो भी अपलोड है, आप इसको देख के दोबारा बनाना, सैटरडे मिल रहा है, संडे मिल रहा है, मंडे को शाम को क्लास होगी, तब तक आप इसको बना के लिंक्डइन पे अपलोड कर देना, मंडे को मैं पूछूंगा आप सबसे किस किस ने अपलोड नहीं किया,
अपलोड करने के बाद उसका लिंक आप ग्रुप में शेयर कर देना, इससे मैं चेक कर लूंगा, ठीक है। अब बात करते हैं, देखो मैं लिखा राम ऐड किया, राज ऐड किया। अब हमें क्या करना है, हमें राम को, मैंने क्या, अरे नाम राम गलत लग गया, मैंने राम की बदली रोहित करना था, तो अब मुझे करना है एडिट। जैसे मैं इस एडिट पे क्लिक करूंगा ना, वैसे इसमें क्या लिख के आ जाएगा, राम, और फिर अपन उसको राम को चेंज कर देंगे, मतलब अपडेट करना है। क्या करना है मुझे, अपडेट राम को, जिसको भी अपडेट करना चाहो, ठीक है। तो पहला काम क्या होगा कि जैसे मैं इस एडिट पे क्लिक करूंगा ना, इसमें राम भरा हुआ आ जाएगा और फिर अपन उसको अपडेट कर देंगे। पहला काम क्या करना है, जैसे मैं इस एडिट पे क्लिक करूंगा ना, इसमें राम भरा हुआ आ जाना चाहिए, ठीक है ना। तो आओ, तो अपन सीधे कहां पे आते हैं, इसी के अंदर आना पड़ेगा, एडिट के अंदर। ये कोड कॉपी कर लेते हैं और यहां पेस्ट कर देता हूं ऑन क्लिक, ठीक है। और यहां पे लिख देंगे अपन एडिट, एडिट डेटा, ठीक है। सेव बने क्या लिख दिया, एडिट डेटा। और अपन यहाँ पे बना लेते हैं फंक्शन। देखो इसमें आप फंक्शन भी सीख गए, आगे चल के बहुत यूज में आएगा। लिख दिया यहाँ पे आईडी, पहला काम तो वही करना है, चेक करना है एलर्ट में आईडी उठ के आ रही कि नहीं आ रही है। देखो तो अपन ने क्या किया, ऑन के लिए लगाया, लिखा एडिट डेटा नाम का और यहाँ पे ये कर दिया, ठीक है। अब चेक करते हैं, पहले क्लिक किया, देखो आ रही आईडी, क्लिक किया देखो आ रही आईडी, ठीक है। आप लोग चेक कर लो, इसमें लिख लो और यहाँ चेक कर लो, इतना चेक कर लें पहले आप लोग एडिट वाला। क्लिक करने से तो गायब हो रहा है, गायब नहीं होगा, सही लिखो, तुम सही लिखा नहीं होगा, गायब कहां से होगा जी, सही लिखो, सही तरीके से कोड देखो, कोई गड़बड़ी कर रहे होगे। ये वाला कोड उठा लो पूरा, ये कॉपी कर लो और यहाँ पे इसमें पेस्ट कर दो, ठीक है। और फिर यहाँ बनेगा फंक्शन, ये बना लिए फंक्शन एक, यहाँ बनेगा एक फंक्शन, जब एडिट पर क्लिक करूंगा ना तो ये फंक्शन कॉल होगा, आई में जो भी कुछ होगा इस आईडी में आ जाएगा, फिर एलर्ट पर अपन चेक कर लेंगे। यस सर, हो रहा है, हो रहा है। बाकी लोगों का हाँ सर, हो रहा है, हो गया, तो है। हाँ सर, हाँ। अब देखो अब मैं क्या करना है, अब मैं क्या करना है, सिंपल कि जैसे ही मैं इस एडिट पे क्लिक करूँ ना, इसमें डेटा भरा हुआ जाना चाहिए, है ना। तो अब उसके लिए मैं यहाँ पे इसको बंद करेंगे अपन, इसको दोबारा फिर बनाना, मैं दो दिन की छुट्टियाँ हैं, सैटरडे संडे मिल रहा है, मंडे इसको आप दोबारा फिर बनाओ, मैं तो आपसे यही बोलूँगा। इक्वल आई डी,
तो देखो हमने क्या किया, आईडी आईडी में जो भी कुछ आ रहा है वो अपने किसमें स्टोर कर लिया, इसमें स्टोर कर दिया, ठीक है। अब अपन डेटा क्या करेंगे, डेटा हमें शो कराना है, तो मैं लिखूंगा यूजर नेम टैक्स फील्ड डॉट वैल्यू इक्वल यूजर एरे के अंदर से क्या निकाल लो, आईडी और उसका नेम। देखो मैंने क्या लिखा यहां पे, सब देखो मैंने कहा यूजर एरे के अंदर जो आईडी हो, मान के चलो यहां पे आईडी 1 है, मैंने कहा यूजर एरे में जाओ 1 इंडेक्स जिसका हो उसका नेम उठा के किसमें डाल दो, इसमें डाल दो। आ रही बात समझे, यूजर एरे में 1 इंडेक्स पे जो भी नाम होना उसको किसमें डाल दो, यूजर नेम टैक्स फील्ड वैल्यू में, ये तो है वो जो ऊपर है यूजर टैक्स फील्ड, इसमें डाल दो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आईडी कर देता हूँ, आईडी सिंपल से कोड चल रहा है, देखो रिफ्रेश किया, देखो क्लिक किया, जा क्यों ना भाई, क्या लिखा मैंने यहाँ पे, यूजर नेम टेक्स्ट फील्ड वैल्यू यूजर एरे, एरे सही लिखा है, डॉट नेम सही लिखा है, बिल्कुल रिफ्रेश करो, एक मिनट ना, हाँ शायद मैं ये हटा दूँ, इसके चक्कर में कुछ पंगा तो नहीं हो रहा, क्लिक होता है ना तो हट जाता हो शायद, हाँ देखो ठीक है। तो मैं यहाँ पे काम करता हूँ, इसमें हैश लगा देता हूँ, हैश लगा देता हूँ, तो फिर ये रिफ्रेश नहीं होगा, इससे हैश लगाने से क्या होगा, ये रिफ्रेश नहीं होगा, रिफ्रेश देखो देखो अब कहीं जा रहा है, देखो हैश लगा दिया ना, एच आर एफ के अंदर क्या होता है रिफ्रेश हो जाती हैं चीज़ें, तो इसलिए मैंने क्या लगा दिया यहाँ पे, हैश लगा दिए, अब इससे रिफ्रेश नहीं होगा पेज वाला, देखो राम आ रहा उठ के, राज आ गया, देखो उठ के सब देखो राम राज आ रहा, देखो उसके अंदर इनपुट के अंदर उठ के, आप लोग भी कर लें, इसमें हैश लगा देना, आइए कोड लिख लो, बस रह गया अपडेट करने का, सब चेक करें मुझे बताएं। सर ये आईडी का डॉट नेम है, हाँ नेम है, सर बॉक्स में बताना पड़ेगा नेम का, बताना पड़ेगा ना नेम का, लेके जाना है इसमें, सर नेम से पहले डॉट है ना, हाँ नेम से पहले डॉट लगा, डॉट हाँ ठीक है सर, हाँ सर एडिट पर क्लिक करने पर उसमें आ रहा है सर वही चीज सर्च बॉक्स में आ रहा है ना, इसको जब दोबारा बना लोगे ना दो दिन में पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, मगर बनाना वीडियो देख के आप लोग, तो आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा इसको एडिट करने पे, हेलो इसको एडिट करने पे फील्ड नीचे आ रही है सर, ओके अभी अपन ने एडिट किया कहाँ है, अभी तो अपन ने सिर्फ शो कराया है ना, अभी अपन ने क्या किया है बटन पे क्लिक करने पे शो हो रहा है, अपन अब एडिट करेंगे ना तो बटन पे क्लिक करेंगे फिर वैल्यू चेंज हो जाएगी, ठीक है ना, इतना कर लिया सबने कर लिया ना, अब बात करते हैं कि जैसे राज है, मैंने कहा कि राज को 1-3 कर दो, और इस पे क्लिक मैंने कहा देखो क्या आ रहा बाय डिफॉल्ट, मैंने क्लिक किया राम पे तो राम आ रहा है, अब मैंने कहा राम की वर्दी विकास कर दो, और जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा ना तो जो राम की वर्दी यहाँ पे क्या हो जाना चाहिए, विकास हो जाना चाहिए, तो अब मुझे क्या करना, देखो बटन पे क्लिक करना पड़ेगा ना विकास, अब मुझे कोड कहां पे काम करना पड़ेगा, अब इस वाले कोड पे काम करना पड़ेगा ऑन क्लिक पे, यहां पे सर तो काम करना पड़ेगा ऑन क्लिक पे, सर अभी देखो वॉइस कट गई थी दोबारा रिपीट, हां हां देखो हां अब आ रही है ना, तो देखो सब लोग देखो एडिट कैसे होता है, सब लोग एडिट जानते हो कैसे होता है, जब हमें कोई चीज अपडेट करनी होती है तो पहले अपन एडिट पे क्लिक करते हैं,
अब राम आ गया, अब तुमने कहा नहीं यार हमारा नाम तो राम कुमार था, तो आपने कुमार लिख दिया। अब जैसे ही आप बटन पे क्लिक करोगे तो राम की जगह यहाँ पे क्या हो जाना चाहिए, राम कुमार हो जाना चाहिए, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, बटन पे क्लिक करने पे काम करना पड़ेगा ना, मतलब इस वाले कोड पर, इस वाले कोड में काम करना पड़ेगा ना। ये तो बटन पे क्लिक होगा, डेटा स्मोट क्या आएगा, डेटा नेम मेथड क्या आएगा। अगर मैं अभी इस बटन पे क्लिक करूं तो डेटा एसी मेथड क्या आएगा, नेम में आए ना, आना तो बोल दो। यस सर। देखो मैं दिखाता हूं, मैं अगर इतना कोड बंद कर दू ना आपको, देखो तो मैंने यहां पे लगाया अलर्ट, लिखा मैंने यहां पे नेम, स्टार्टिंग में सीखा था ना, देखो 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 राम आ रहा है ना, है ना। तो अगर मैं यहां पे राम कुमार करूंगा और बटन पे क्लिक करूंगा तो देखो राम कुमार आ रहा है उठ के। तो अब क्या है, अब मुझे यहां पे कोड करना पड़ेगा। अगर मैं, है ना, और ये वाला कोड कौन सा है, ये पुश कर देगा। अगर मैं यहां पे कोड नहीं करूंगा ना तो ये क्या कर देगा, अभी देखो क्या कर देगा, देखो अभी ये क्या करेगा, मैं लिखो इस पे क्लिक करूंगा, लिख दूंगा राम कुमार, तो अभी देखो ये ऐड कर देगा। हमें ऐड नहीं कराना है, हमें अपडेट कराना है, है ना। तो हमें किस पे काम करना पड़ेगा, इसी के नीचे इफ कंडीशन लगानी पड़ेगी, हमें यहाँ पे इफ कंडीशन लगानी पड़ेगी, हमें यहाँ पे ये चेक करवाना पड़ेगा कि इसमें आईडी उठ के आ रही, अगर आईडी उठ के आ रही होगी तो अपन अपडेट कराएंगे, अगर आईडी उठ के नहीं आ रही होगी तो अपन इंसर्ट करा देंगे पुश का यूज करके, है ना, समझ आ रहा है। हमें ये चेक करना पड़ेगा ना कि जो यूजर है वो इंसर्ट कर रहा है कि अपडेट कर रहा है। तो अपन यहाँ पे लिख देते हैं, पहले ऊपर एक ऊपर वैल्यू डिफाइन कर देते हैं यहाँ पे एक लेट एडिट आई डी इक्वल, लिख दिया मैंने यहाँ पे नल, बाय डिफॉल्ट में नल लिख दिया यहाँ पे, ठीक है अभी के लिए। अब आते हैं इसके अंदर, तो मैंने लिखा इफ अगर एडिट आई डी नॉट इक्वल नल नहीं है, अगर एडिट आई डी नल नहीं है, ठीक है, तो मतलब क्या, इसका मतलब क्या हुआ, अगर एडिट आईडी नल नहीं है, एडिट आईडी मतलब एडिट आईडी में कुछ आ रहा है तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, अपडेट करना पड़ेगा। और अगर एडिट आईडी में कुछ नहीं आ रहा होगा तो अपन ये वाला कोड कर देंगे उठा के, ये वाला कोड इतना वाला जी पुश वाला, इसमें डाल देते अपन, ठीक है। मैं कमेंट भी लिख देता हूं, ठीक है, देखो ये वाला कोड कब चलेगा, जब आईडी आ रही होगी। हमने क्या लगा, अगर एडिट आईडी नल नहीं है तो ये इफ वाला कोड चलेगा, और अगर एडिट आईडी एडिट में अगर आईडी नहीं आ रही होगी, सिंपल समझो, अगर आईडी आ रही होगी तो ये वाला कोड चलेगा, और आईडी नहीं आ रही होगी तो इंसर्ट वाला कोड चलेगा। आगे बात समझे, सबको समझ आ रहा है, फर्स्ट कंडीशन छोटी सी, बोलो भाई। यस सर। हेलो हेलो। हाँ सर, सिंपल सी कंडीशन लगाई मैंने, सिंपल सी कंडीशन लगाई मैंने। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब जानते हो, आप सबको पता है, अब जब मैं अपडेट करूंगा ये, जब मैं अपडेट करूंगा तो अपडेट करने से पहले मुझे पुराना वाला रिकॉर्ड डिलीट कराना पड़ेगा, ये तो होता है। अपडेट करने से पहले पुराना वाला राम को हटाना पड़ेगा और नया अपडेट करना पड़ेगा, पुराना वाला रिकॉर्ड हटाना पड़ेगा ना, तभी तो नया वाला इसकी जगह पे ऐड होगा। तो अपन क्या यूज करेंगे, स्प्लाइस मेथड। स्प्लाइस में तो ये काम होता है ना, देखो मैं लिखा यहाँ पे, देखो स्प्लाइस में तो ये काम होता है, यूजर एरे के अंदर डॉट स्प्लाइस लिखा मैंने एडिट आईडी, ठीक है, कॉमा वन और कॉमा क्या ऐड करना है ना, इसका मतलब क्या हुआ, कौन सी आईडी आ रही है और क्या डिलीट करना है, ये जानते हो ना, इसमें जो आईडी आ रही होगी इसको क्या कर देगा, वन डिलीट कर देगा। अब उसकी जगह मुझे ये नाम आ रहा है ना उसको ऐड करवाना है, तो मैंने यहाँ पे लगा दिया साइन कर लिया, इसका लिख दिया सिंगल कोट में नेम और कोलन में नेम, ठीक है, नेम ऐड करवाना है। आगे बात समझ वाली, यहाँ पे मैंने क्या कहा स्प्लाइस से कि यूजर एरे के अंदर जाओ, अब इसमें मांगे चलो आईडी आ रही, इसमें मांगे चलो आईडी आ रही है जीरो, तो मैंने क्या कहा जीरो वाली आईडी को डिलीट कर दो, उसकी जगह नेम में जो आ रहा है वो उस नेम में ऐड कर देना, समझ आ रहा है।
और फिर इसके बाद आईडी को खाली कर दो, यहाँ पे आईडी आईडी को मैंने कर दिया नल, फिर के बाद मैंने क्या कर दिया आईडी को खाली कर दिया, सिंपल। देखो जो मैंने आपको सिखाया जावास्क्रिप्ट पूरा यूज करवा दिया, जो आपको जावास्क्रिप्ट सिखाया, इंसर्ट सिखाया, डिस्प्ले सिखाया, पूरा सिखाया ना पूरा, डोम सिखाया, इफ एल्स सिखाया, लॉजिक सब सिखाया, सब यूज करना सिखा दिया इस प्रोजेक्ट में आप लोगों ने। आप इसको दोबारा फिर से बना लेना वीडियो देख के, सही बता रहा हूँ, आपके पूरे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, वीडियो सारे अपलोड हैं। अब चलते हैं रिफ्रेश करते हैं, देखो मैंने लिखा एडिट में लिखा राम कुमार, देखो राम कुमार हो गया है ना, देखो यहाँ पे यहाँ कर देता हूँ राज कुमार, राजकुमार हो गया। और अगर कोई नया ऐड करूंगा तो yes. विकास, तो देखो नया ऐड हो रहा है, जब एडिट पे क्लिक करूंगा मैंने कहा राम कुमार के राम कुमार 1 2 3 4, तो देखो राम 1 2 3 4 हो गया, दिख रहा है। तो देखो और रिफ्रेश भी नहीं होना, रिफ्रेश भी नहीं हो रहा। आप एक चीज गौर करो, हम यहाँ पे इंसर्ट करते हैं, देखो मैंने इंसर्ट किया सब, देखो यहाँ पे माइक थोड़ा बंद कर लो, माइक बंद कर लो, इसका माइक ऑन, माइक ऑफ कर लो। देखो मैंने लिखा बिक्की लिखा, देखो ऐड हो गया, कहीं रिफ्रेश हुआ नहीं हुआ, ठीक है, डिलीट किया रिफ्रेश हुआ नहीं हुआ, विदाउट रिफ्रेश एडिट किया कहीं रिफ्रेश हुआ नहीं हुआ, अपडेट कर दूंगा तो देखो कहीं रिफ्रेश हुआ नहीं हुआ, सिंगल पेज एप्लीकेशन विदाउट रिफ्रेश, रिफ्रेश नहीं करना पड़ा मुझे, और हमने कोई डेटाबेस यूज नहीं किया, इंसर्ट भी कर लिया, डिस्प्ले भी कर लिया, व्यू कर लिया, अपडेट कर लिया, डिलीट कर लिया, इसको बोलते हैं कर्ड ऑपरेशन, CURD कर्ड बोल दो, टू लिस्ट बोल दो, है ना, बोलो बोलो सर, ये दोबारा बता दो वहां से, कहां से, एडिट वाले फंक्शन से, ये एक ऑन क्लिक से बाद दोबारा बता दो, ये देखो ना इफ एल्स लगाया ना आपने, यस सर, हाँ जी, देखो यहाँ पे, ये देखो हमने यहाँ पे बटन, देखो जब मैं यहाँ पे इस पे क्लिक करूंगा तो यही तो चलेगा ऑन क्लिक, नेम में डेटा क्या आएगा, आएगा नहीं आएगा, हाँ है ना, yes. डेटा आएगा ना, तो मैंने यहाँ पे इफ, यहाँ पे मैंने कंडीशन यहाँ पे क्या लगा दी, मैंने कहा देखो हम ऊपर हमने क्या पास कर रखा है, एडिट आईडी कर्नल, अगर एडिट आईडी में कुछ आ रहा होगा, मैंने क्या कहा अगर एडिट आईडी में एड एड नल नहीं है तो ये वाला कोड चलेगा। अब ये क्या कर रहा है, स्प्लाइस कर रहा है, स्प्लाइस क्या करेगा, एडिट आईडी में, एडिट आईडी में इंडेक्स आईडी आ रही होगी, इंडेक्स आ रहा होगा, उसको डिलीट करेगा, उसकी जगह पे नेम ऐड कर देगा, नेम ऐड कर देगा ना, और फिर बाद में क्या कर देगा, आईडी को खाली कर देगा। और अगर मान के चलो एडिट आईडी आईडी नहीं आ रही है, अगर इंडेक्स आईडी नहीं आ रही है तो फिर क्या करेगा, इंसर्ट कर देगा। अब आईडी कब आएगी, जब आप एडिट करोगे, जब जी एडिट करोगे, जैसे आपने एडिट किया तो वैसी, जैसे आपने इस पे क्लिक किया तो इसमें एडिट क्या आई होगी, इसमें आईडी आ जाती है, वही आईडी इसमें आ जाती है, और जब मैं इंसर्ट करूंगा तो उसी को, जब मैं यहाँ पे इंसर्ट करूंगा तो कोई आईडी आ ही रही है तो वो इंसर्ट हो जाएगा, सिंपल। हाँ, तो अपडेट आगे समझे, इंसर्ट हो जाएगा, है ना, ठीक है, नोट कर लो, ठीक है, जो हो गया आपका पूरा, कहूंगी डाउनलोड कर लेना आप लोग। अच्छा चलो फिर उसी में, उसी दिन करा देंगे, हल्के हल्के हो जाएगा वो तो, ठीक है, छोड़ो उसी दिन करा देंगे, ठीक है। अभी क्या करना है आप लोगों को, रिवीजन करना है, अभी क्या करना है, टू डू लिस्ट पूरा बना के उसको लिंक्डइन पे अपलोड करना है, और थोड़ा डिजाइन सी कर लेना उसकी सब लोग, ठीक है, सैटरडे संडे मंडे, मतलब मंडे क्लास लूंगा, okay, सबके बने होने चाहिए, और जब यूट्यूब पे सारे वीडियो अपलोड हैं तो वहां से आप रिवीजन कर लेना, मंडे से स्टार्ट होगा मोंगो डीबी, प्रॉपर क्लास लेना, मोंगो डीबी सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, डेटाबेस बिना उसके हम प्रोजेक्ट नहीं बना सकते, ठीक है, चलो हाँ जी बोलो, नहीं 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 संडे से नहीं, अगले संडे से बोला मैंने, अगले 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 संडे से बोला मैंने, ओके ठीक है, ओके सर, अगले संडे से स्टार्ट होगा, ठीक है, ओके चलो बाय सब लोगों को।